पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने अपने पिता की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की बदले की राजनीति को वजह बताया। These are apparently about alleged events which took place in 2008, for which an FIR was filed in 2017. I have been raided 4 times. I've been summoned 20 times. I've appeared for at least 10 to 12 hours in each of the summons. I was also the guest of the CBI for 11 days. Everybody who is even remotely associated with me has been summoned and extensively questioned. And still we don't have a charge sheet. And there is no case. I have absolutely no link, none whatsoever, with the FIBB or with this company called INX. So this whole thing is done only to tarnish the image of the Congress party and to tarnish the image of my father. अमित सिंह के पास चलते हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। अमित, हम कार्ति चिदम्बरम को सुन रहे थे जो अपने पिता का बचाव कर रहे थे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई तो रिमांड की मांग करेगी, क्या ईडी भी हिरासत की मांग कर सकती है? जी फिलहाल आपको बताएं कि जब कार्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था आईएनएक्स मीडिया केस में, तो उस वक्त वो 23 दिन तक जेल में थे। पहले ईडी और सीबीआई दोनों ने उनसे पूछताछ की थी। तो जाहिर तौर पे जब आज पी चिदम्बरम को पेश किया जाएगा तो पहले सबसे पहले सीबीआई रिमांड मांगेगी और सीबीआई की कोशिश होगी कि 14 दिन का रिमांड वो ले। लेकिन तो वहीं कोर्ट पर यह निर्भर करता है कि वो कितने दिन का रिमांड सीबीआई को देती है। लेकिन सीबीआई भरसक कोशिश करेगी कि उनको 14 दिन का रिमांड मिले, भले ही वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन करके हो। और उसके बाद जाहिर तौर पर जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी इस पूरे मामले में जांच करे तो ईडी भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। और कानून के जानकारों की माने तो सबसे पहले जिस दिन इंद्राणी मुखर्जी इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बनी थी, उसी दिन टर्निंग पॉइंट आ गया था इस केस में। और जैसे ही कार्ति चिदम्बरम उस वक्त विदेश से लौटे थे तो उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस वक्त वो 23 दिनों तक सलाखों के पीछे थे और लगातार पी चिदम्बरम जो है उस वक्त कोर्ट आते थे। पी चिदम्बरम आती थी, उनकी पत्नी नलिनी आती थी और अभिषेक मनुसिंघी और दयान कृष्णन उनकी पैरवी कर रहे थे उस वक्त। आज देखना होगा कि आज पी चिदम्बरम की पैरवी कौन करता है। और अब गिरफ्तारी से पहले कई बार पी चिदम्बरम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने दूसरे आरोपियों का पक्ष कोर्ट में रखा था और उन्होंने पी चिदम्बरम ने उन आरोपियों को रिलीफ भी दिलाया था। लेकिन आज पिक्चर पूरे तरीके से अलग है। आज पी चिदम्बरम खुद ही आरोपी हैं और आज उनको रिलीफ कौन दिलाता है, देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। और जाहिर तौर पर जब दोपहर बाद उन्हें इस कोर्ट में पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो सीबीआई अपनी पूरी दलीलें रखेगी। जिस तरीके से हाई कोर्ट में सीबीआई ने दलीलें रखी थी कि पी चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से अग्रिम जमानत 20 अगस्त को खारिज होने के बाद से लगातार सीबीआई उनके घर पे जा रही थी और सीबीआई का ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा था, जो बीती रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, इन सब बारे में सीबीआई कोर्ट को बता सकती है और रिमांड की अपनी मांग कर सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन का रिमांड देता है। तो फिलहाल जो है कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पी चिदम्बरम के लिए मुश्किलों भरा दिन होगा, क्योंकि पहले सीबीआई रिमांड लेगी, सीबीआई इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, उसके बाद ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरफ्तारी से पहले आईएनएक्स मीडिया केस में बुरी तरह घिर चुके कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम 27 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। कानून के शिकंजे में फंसते दिख रहे पी चिदम्बरम अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम मुस्कुराते हुए दिखे और वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं से हाथ मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले चिदम्बरम से कुछ बात की, जिसके बाद चिदम्बरम ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और आईएनएक्स मीडिया केस में उन पर लगे सभी आरोपों को गलत माना। इन द आईएनएक्स मीडिया केस आई हैव नॉट बीन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस Nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offence. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. Chidambaram ne 27 ghante tak gayab rehne ke mudde par bhi safai di. I was accused of hiding from the law. On the contrary, I was seeking the protection of the law. I was accused of running away from justice. On the contrary, I was engaged in the pursuit of justice. इस बीच वहां मौजूद कांग्रेस के कद्दावर नेता हालात को देखते हुए खामोश दिखे, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया।
और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद चिदम्बरम निकले, कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। कांग्रेस दफ्तर में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच पूर्व मंत्री चिदम्बरम नेताओं के साथ